पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी अपने ही कर्नाटक से कांग्रेस विधायक के प्रति महिलाओं के लिए दिए गए बयान पर हमलावर हो गए और पत्रकार वार्ता के दौरान कह गए कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। दरअसल आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी मुरादाबाद में कांग्रेस की महिला शक्ति विधान घोषणा पत्र की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी खुद भी एक महिला हैं और महिलाओं के लिए कांग्रेस लगातार काम कर रही है और यही वजह है कि 40% हिस्सेदारी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को देने जा रही है। विधानसभा इलेक्शन को लेकर कांग्रेस अपनी पुरजोर तैयारी में लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने महिला शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं की आगामी 2022 के इलेक्शन में भागीदारी के साथ साथ कांग्रेस सरकार में चलाई जाने वाली योजनाएं भी शामिल की हैं। इसी को लेकर आज मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को प्रियंका गांधी के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र की जानकारी दी। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी भाजपा पर हमलावर हुए तो समाजवादी पार्टी को भी नहीं बख्शा। इसी कड़ी में कहते कहते अपने ही कर्नाटक के कांग्रेस विधायक पर भी हमलावर हो गए और कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। कर्नाटक की बात की जाए तो आपके ही विधायक महिलाओं के सम्मान में अभी तक टिप्पणी कर रहा है, क्या कहें? अच्छा, मेरी जानकारी में थोड़ा बिजी चल रहा था, मैं तो देख नहीं पाया। आपको नहीं पता कि आपके विधायक ने कर्नाटक में क्या देख नहीं पाया? मैं देख के उस पर प्रतिक्रिया दूंगा। 4 दिन पुराना एक मामला है। अच्छा, मैं देख रही हूँ। अगर महिलाओं की बात करने वाली पार्टी के नेताओं की बात उठा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो सपा के कोई भी व्यक्ति जो बोलते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ लोग आजकल उल्टे सीधे बयान देते हैं, ये दिवालियापन है इनके दिमाग में, ये इनका दिमाग जो है दिवालिया हो गया, काम सही से सोच नहीं पाता, चाहे वो किसी पार्टी के। महिलाओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी नेता खुद एक सशक्त महिला है, माननीय प्रियंका गांधी जी खुद एक महिला है, जितना दर्द वो समझ सकती हैं इतना शायद हम आभास भी ना कर पाए, क्यों मेरा हिसाब। और वो सशक्त हैं और वो सशक्त करना चाहती हैं, बीजेपी की तरह डरते नहीं हैं ये लोग। खुद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था चिम्मेनन, सबको याद होगा और भी बहुत सारे लोग इनके याद होंगे। तो हमारी विचारधारा हिंदू मुस्लिम कराकर, जैसे बीजेपी के पास 4 एजेंडे हैं, मैं एक बात कहता हूँ देश और प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शेर, कोई भी नेता, कोई भी जो अपने आप को जानकार समझता हो, पाकिस्तान, मंदिर, धर्म और मुसलमान, इन 4 बातों को छोड़ के 1 मिनट बोल के दिखा दे, मैं मान जाऊँ। समाजवादी से अगर गठबंधन हम नहीं करते, 5 साल समाजवादी ने वो तांडव किया उत्तर प्रदेश में, जिसका बेनिफिट बीजेपी को मिला। 5 साल में गुंडा राज चरम पे था, हम सत्ता से बाहर थे, हमारी गलती ये थी कि हमने उनसे हाथ मिला लिया। अगर हम उनसे हाथ नहीं मिलाते तो आज हमारे पास सीटें ज्यादा होती और हम मजबूत होते, क्योंकि 5 साल जैसे आज बीजेपी के साथ जो जाए वो मरे, क्योंकि हाथ खून से रंगे हुए हैं, बेरोजगारी से रंगे हुए हैं, भ्रष्टाचार से रंगे हुए हैं। 5 साल बीजेपी का जो तांडव था उसकी सारी जो कमियां थी वो हमारे पास आई, हमने तो किया भी नहीं उतनी उनकी गुंडाई, जैसा बीजेपी कर रही है ऐसे समाजवादी ने किया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।